कैसे इस बंदे ने $100 से $100 बिलियन की कंपनी बना दी, और एक आदमी जिसने अपनी सेक्स डॉल से ही शादी कर ली, पर क्यों? और मशहूर कंपनी नाइकी का नाम रखे जाने की कहानी आपको हैरान कर देगी। एक ऐसा देश जहां के लोग खुद को किडनैप करवाने के पैसे देते हैं, पर कौन सा है ये देश? और क्या आपने कभी किसी को टाइपराइटर से स्केच बनाते देखा है? भाई वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है। नंबर वन, पहले तो सिर्फ लड़का और लड़की की ही शादी होती थी, फिर जमाना आगे बढ़ा और लड़का लड़का और लड़की लड़की की भी शादियां आपस में होने लगी। अब जमाना इससे भी आगे जा चुका है, अब लोग इंसानों को छोड़कर अलग अलग चीजों से शादी करने लग गए हैं। कोई तो अपने तकिए से, तो कोई अपने कंबल से, तो कोई अपने कुत्ते या बिल्ली से शादी रचा रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुद से ही शादी रचा लेते हैं। अजीबोगरीब चीजों से शादी रचाने वाला एक ऐसा ही शख्स है, यूरी टोलोचकोल, जिसने अपनी सेक्स डॉल के साथ शादी रचाई। इसने साल 2020 में इस डॉल के साथ शादी कर ली और अब ये दावा कर रहा है कि उसकी वाइफ यानी ये डॉल प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं। लेकिन भला कोई डॉल प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? इस सवाल का जवाब उसने नहीं दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंसान पगला गया है। नंबर टू, वैसे तो लोग दूसरों को किडनैप कराने के ही पैसे देते हैं, लेकिन फ्रांस में एक ऐसी कंपनी है जिसे आप पैसे देकर अपने आप को ही किडनैप करा सकते हैं। अल्टाइम रियल लाइट टाइम नाम की ये कंपनी थ्रिलिंग के शौकीन लोगों के शौक को पूरा करते हुए उनसे पैसे लेकर उन्हीं को किडनैप करती है। ये पूरी प्लानिंग फन एंड एडवेंचर के लिए ही होती है, जिसमें कंपनी के बंदे आपकी किडनैपिंग करते हैं। ये सब कुछ एक्चुअल किडनैपिंग के ही जैसा होता है। किडनैपिंग के बाद आपको सुनसान जगह पर रखा जाता है, जहां से आप भागने की कोशिश भी कर सकते हैं। खुद को किडनैपिंग कराने के इस पूरे प्लान की कीमत लगभग 80,000 रुपए है। नंबर थ्री, यूनाइटेड पार्सल सर्विस यानी UPS आज के समय में रेवेन्यू के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी है। आज इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग $100 बिलियन है, लेकिन साल 1907 में जब इस कंपनी की स्थापना हुई, तब इसके फाउंडर जेम्स ई कैसी और क्लेड रियान के पास इस कंपनी की शुरुआत करने के लिए सिर्फ $100 थे, और वो भी उन्होंने अपने दोस्त से उधार लिए थे। कंपनी की शुरुआत करने के समय इन दोनों की उम्र 19 से 20 साल थी, दोनों के पास सिर्फ एक ही साइकिल थी। आसपास की डिलीवरी ये दोनों पैदल ही चलकर किया करते थे, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस में ये साइकिल का उपयोग करते थे। ये इनकी मेहनत का नतीजा है कि $100 में शुरू की गई कंपनी आज $100 बिलियन पर पहुंच गई है। नंबर फोर, क्या आपने किसी इंसान को टाइपराइटर से कलाकारी करते हुए देखा है? बेंगलोर के रहने वाले AC गुरुमूर्ति ऐसे अनोखे आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ टाइपराइटर से ही एक से एक बढ़कर स्केच बनाते हैं। टाइपराइटर से स्केच बनाने के लिए वो लेटर सिंबल्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स का उपयोग करते हैं। पिछले 50 सालों से टाइपराइटर से आर्ट बना रहे गुरुमूर्ति अब तक 350 से ज्यादा स्केच बना चुके हैं, जो कि सभी के सभी एक से एक बढ़कर हैं। इस शानदार आर्टिस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर फाइव, आप अपने बचपन में ये शो ऑन द से बहुत बार देखा होगा, और ये देखने में काफी एंटरटेनिंग लगता था, और इसके स्क्रिप्ट से लेकर इसकी कॉमेडी एकदम परफेक्ट थी, जो कि हमें उसी टाइम पर बहुत मजा दिलाते थे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये बनते कैसे थे? असल में ये जो आप देखते हो, ये हमें लगता तो एनिमेटेड है। एनिमेटेड मतलब जैसे कि ये ऐसा लगता है कि ये कंप्यूटर में बनाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्ले और प्लास्टिक से बनाया गया है, और इसे बनाने के लिए अब बहुत टाइम लगता है। इनको ऐसे फ्रेम बाय फ्रेम में पिक्चर लेने पड़ते हैं, और उन सब फ्रेम्स को कंबाइन करना पड़ता है, और उसके बाद ये जाकर के इस तरीके के एनिमेशन बनते हैं, और इस टेक्निक को स्टॉप मोशन एनिमेशन भी कहा जाता है। नंबर सिक्स, कनाडा के वैनकूवर आइसलैंड पर एक ऐसा खूबसूरत बीच है, जहां बीच के बीचों बीच कई सारे छोटे छोटे टाइड पोल्स मौजूद हैं। इस बीच का नाम बोटेनिकल बीच है। यहां बने सभी टाइड पोल्स ब्लू रंग के हैं, जो दिखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। इन पोल्स के अंदर दर्जनों प्रजाति के पेड़ पौधे भी हैं, और इनका अपना एक अलग ही इकोसिस्टम है। इसी अमेजिंग फैक्ट्स पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर सेवन, दोस्तों नाइकी का कोई भी प्रोडक्ट तो आपने जरूर यूज किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस कंपनी के नाम के पीछे की वजह जानने की कोशिश की है? नाइकी कोई मामूली नाम नहीं है, बल्कि एशियंट ग्रीक की विजय देवी का नाम है,
मान्यता है कि देवी नाइकी के पास पंख था और ये पंख ही विक्ट्री सिंबल था। नाइकी कंपनी ने अपना नाम इसी देवी के नाम पर रखा है और नाइकी का लोगो भी देवी नाइकी के पास से इंस्पायर्ड है। नंबर 8, ये चम्मच तो भाई मुझे भी चाहिए। ये दो दो काम एक साथ कर देती है। ये चाइनीज खाना खाने के लिए बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि जब आपको सूप पीना है तो आप स्पून यूज कर सकते हो और नूडल्स खाते वक्त फॉर्क का। नंबर 9, आपने नोटिस किया होगा कि आपको मरने वाले सपने बहुत कम आते होंगे, यानी जिस सपने में आप मर रहे हो ऐसे टाइप के सपने आपको बहुत कम आते होंगे। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपको ऐसे सपने आते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपने कोई नई हॉबी अडॉप्ट कर ली है। नंबर 10, क्रिसमस को कई जगह पर एग्जमस कहा जाता है, यानी होता तो क्रिसमस है लेकिन इसको ऐसे लिखा जाता है, और इसकी शुरुआत ग्रीक लोगों ने की थी, यानी कि आप क्रिसमस को एग्जमस बनाने के लिए उन्हें थैंक्स कह सकते हो। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अभी लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आप और आपके जानने वाले भी जान सकें कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में। धन्यवाद।